खबर झुंझुनू के चिड़ावा थाना क्षेत्र से है, जहां पर चनाना गांव के एक बंद कमरे में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना के बाद में पहुंची पुलिस ने और एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। साथ में पुलिस ने मौके से एक पॉइजन की शीशी और सुसाइड नोट भी बरामद किया। उधर डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद युवक के डीएनए टेस्ट के लिए नमूने रखे हैं। संभवतया मृतक प्रताप मेघवाल का डीएनए उसकी मां के डीएनए से मिलान किया जाएगा। वहीं मृतक की पत्नी ने पुलिस थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मृतक प्रताप की पत्नी माया देवी ने रिपोर्ट दी है कि उसके पति की किसी ने हत्याकार शव मकान में डाल दिया है, जिसके बाद में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चिड़ावा थाना के तहत चनाना जो चौकी है उसके अंदर एक व्यक्ति की लगभग अंदाजन अभी ढाई तीन महीने पुरानी कोई बॉडी मिली है, जो घर के अंदर बंद थी। आगे ताला लगा हुआ था। रात को पुलिस को इसकी सूचना मिली थी और उसके उपरांत अब इसका एफएसएल यूनिट को बुला करके मौका मुआयना करवाया गया है और उसके अलावा अभी मौके पे ही डॉक्टर्स की टीम को बुला करके बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अग्रिम अनुसंधान से पता चलेगा कि वास्तविकता में क्या घटना घटित हुई थी। और देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।